जी आज हमारे टेंशन पोस्ट के ऊपर वीडियो है। कई भाइयों के कमेंट आए हैं कि ये हमारी टेंशन पोस्ट है वो ओपन हो जाती है, बाहर निकल आती है। ये देखें ना, वो चलती चलती जो है वो नरम मतलब डीले हो जाती है और बाहर आ जाती है। इसकी वजह से जो है वो मशीन दाना देती है और काफ़ी फॉल्ट आते हैं इसकी वजह से। आपका स्प्रिंग का फ़र्क आ रहा है तब भी दाना देगी, धागा छील देगी या तोड़ देगी इसकी वजह से भी। और इसको आपने क्या करना है, ये ऐसे सिंपली निकाल लेना है, निकाल के इसको खोल लेना है, प्लेट से सारी निकाल लेनी है, सिंपली ऐसे कर लेना। और फिर आपने ये स्क्रू देखना है, ये देखें ये स्क्रू खड़ा है इसमें, ये माइनस का स्क्रू और हमारे पास स्क्रू ड्राइवर भी है। ये स्क्रू ड्राइवर आपका अच्छा होना चाहिए अगर आपने इसको टाइट करना है तो। बाज का तो होता है ये फिसल जाता है और हमारा पेच ख़राब हो गया तो फिर आपको टेंशन पोस्ट नहीं लेनी पड़ेगी, क्योंकि पेच एक बार ख़राब हो जाए तो फिर वो ये नया नहीं मिलता मार्केट से और आपको टेंशन पोस्ट नहीं लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो आपने सिंपली इसको अगर हमारी ये चीज़ ढीली है तो इसको हमने स्प्रिंग भी नरम है इसको हल्का सा टाइट रखते हैं, हमेशा हमेशा इसको टाइट रखते हैं सिलाई के हिसाब से। काज का लहदा टाइट होता है, सिलाई का लहदा होता है, रेशमी धागे और जो सा नरम धागे का वो भी लहदा। इसकी सेटिंग टेंशन स्प्रिंग की सेटिंग होती है, ठीक है। और आपने इसको अब कस टाइट कर लेना है, ठीक है। टाइट करने के लिए हमारे पास ये टूल है, इसके ऊपर रख के हमने फुल टाइट करना, ये देखें फुल टाइट हो गया हमारा। और फिर आपने वैसे ही इसको क्लोज कर देना। क्लोज करने के साथ साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, हम आपसे शेयर करते रहेंगे और भी कई चीज़ें। अगर किसी भाई को किसी भी चीज़ में और किसी मशीन में फॉल्ट आ रहा है, किसी मशीन लेनी है तो हमसे रब्ता करें, इंशाल्लाह आपको अच्छा मशवरा देंगे। मशीन भले हमसे ना लें लेकिन हमसे मशवरा ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़, अगली वीडियो में मिलेंगे।